हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सांझ मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस, मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस, मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस, मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस, किसने इस मूवी को लिखा है, और गाइस, मूवी के डायरेक्टर के बारे में, और गाइस, मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस, मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस, मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस, मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अजय के सकलानी, और गाइस, इस मूवी को लिखा गया है अजय के सकलानी के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइस, इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अजय के सकलानी। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस, इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति चरक और विशाल परपग्गा और आसिफ बसरा और तरनजीत कौर और रूपेश्वरी शर्मा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस, इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अजय के सकलानी ने। और गाइस, इस मूवी को एडिट किया गया है अजय के सकलानी के द्वारा और मनवर राणा के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस, इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है गौरव गुलेरिया के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस, इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है इनॉक्स एंटरटेनमेंट, और गाइस, इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनॉक्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस, ये मूवी रिलीज हुई है 14 अप्रैल 2017 को, और गाइस, मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और गाइस, ये इंडिया की मूवी है, और गाइस, ये इंडिया के अंदर हिमाचली डोगरी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस, मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत कुल्लू घाटी में स्थापित सांझ चंडीगढ़ की एक 16 वर्षीय लड़की सांझ की यात्रा का अनुसरण करता है, जो साइबर अपराध का शिकार हो जाती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की बजाय उसके पिता उसे अपनी दादी के साथ रहने के लिए एक दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर भेज देते हैं। अलग थलग और उदास संजू गांव के जीवन का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसका सामना घर के एक भोले भाले मेहमान जोंगा से होता है, जिसके साथ उसकी शुरुआत कठिन होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हालांकि वह अपनी कंपनी में एकांत पाती है और उसके साथ गांव से भागने शहर में अपने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की योजना तैयार करती है। इस बीच संजू धीरे धीरे अपनी दादी के एकांत जीवन जीने के दर्द को समझने लगती है, और वे एक ऐसे व्यक्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं जो एक ही समय में एक अच्छा बेटा और पिता बनने में विफल रहा। जब संजू की दादी बीमार पड़ती तो फिल्म उसे अविस्मरणीय सांझ को कैद करती है, जो धुंधल का नुकसान और निराशा के अंधेरे में घुल जाता है। तो गाइज, मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज, मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज, इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज, इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है धीमे धीमे, और गाइज, उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग वो है देवा मेरे, और गाइज, उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग वो है दिल जो कहे, और गाइज, उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है पूछे अम्मा मेरी, और गाइज, उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है सांझ, और गाइज, उस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है देवा मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज, आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज, इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं गाइज की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज, वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो गाइज, ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, पर मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज, मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज, आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और गाइज, आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज, चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज, चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सांझ मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस, मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस, मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस, मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस, किसने इस मूवी को लिखा है, और गाइस, मूवी के डायरेक्टर के बारे में, और गाइस, मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस, मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस, मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस, मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ।
तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अजय के सकलानी, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अजय के सकलानी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अजय के सकलानी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति चरक और विशाल परपग्गा और आसिफ बसरा और तरनजीत कौर और रूपेश्वरी शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अजय के सकलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अजय के सकलानी के द्वारा और मनवर राणा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है गौरव गुलेरिया के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है इनॉक्स एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनॉक्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 14 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और गाइस ये इंडिया के अंदर हिमाचली डोगरी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत कुल्लू घाटी में स्थापित सांझ चंडीगढ़ की एक 16 वर्षीय लड़की सांझ की यात्रा का अनुसरण करता है, जो साइबर अपराध का शिकार हो जाती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की बजाय उसके पिता उसे अपनी दादी के साथ रहने के लिए एक दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर भेज देते हैं। अलग थलग और उदास संजू गांव के जीवन का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसका सामना घर के एक भोले भाले मेहमान जोंगा से होता है, जिसके साथ उसकी शुरुआत कठिन होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हालांकि वह अपनी कंपनी में एकांत पाती है और उसके साथ गांव से भागने शहर में अपने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की योजना तैयार करती है। इस बीच संजू धीरे धीरे अपनी दादी के एकांत जीवन जीने के दर्द को समझने लगती है, और वे एक ऐसे व्यक्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं जो एक ही समय में एक अच्छा बेटा और पिता बनने में विफल रहा। जब संजू की दादी बीमार पड़ती तो फिल्म उसे अविस्मरणीय सांझ को कैद करती है, जो धुंधल का नुकसान और निराशा के अंधेरे में घुल जाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है धीमे धीमे, और गाइज उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है देवा मेरे, और गाइज उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है दिल जो कहे, और गाइज उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है पूछे अम्मा मेरी, और गाइज उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है सांझ, और गाइज उस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है देवा मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, पर मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और गाइज आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सांझ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को लिखा है, और गाइस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अजय के सकलानी, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अजय के सकलानी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अजय के सकलानी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति चरक और विशाल परपग्गा और आसिफ बसरा और तरनजीत कौर और रूपेश्वरी शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की,
तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अजय के सकलानी ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है अजय के सकलानी के द्वारा और मनवर राणा के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है गौरव गुलेरिया के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है इनॉक्स एंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इनॉक्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 14 अप्रैल 2017 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की मूवी है, और गाइज ये इंडिया के अंदर हिमाचली डोगरी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत कुल्लू घाटी में स्थापित सांझ चंडीगढ़ की एक 16 वर्षीय लड़की सांझ की यात्रा का अनुसरण करता है, जो साइबर अपराध का शिकार हो जाती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की बजाय उसके पिता उसे अपनी दादी के साथ रहने के लिए एक दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर भेज देते हैं। अलग थलग और उदास संजू गांव के जीवन का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसका सामना घर के एक भोले भाले मेहमान जोंगा से होता है, जिसके साथ उसकी शुरुआत कठिन होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हालांकि वह अपनी कंपनी में एकांत पाती है और उसके साथ गांव से भागने शहर में अपने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की योजना तैयार करती है। इस बीच संजू धीरे धीरे अपनी दादी के एकांत जीवन जीने के दर्द को समझने लगती है, और वे एक ऐसे व्यक्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं जो एक ही समय में एक अच्छा बेटा और पिता बनने में विफल रहा। जब संजू की दादी बीमार पड़ती तो फिल्म उसे अविस्मरणीय सांझ को कैद करती है, जो धुंधल का नुकसान और निराशा के अंधेरे में घुल जाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है धीमे धीमे, और गाइज उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है देवा मेरे, और गाइज उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है दिल जो कहे, और गाइज उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है पूछे अम्मा मेरी, और गाइज उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है सांझ, और गाइज उस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है देवा मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं गाइज की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, पर मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और गाइज आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सांझ मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को लिखा है, और गाइज मूवी के डायरेक्टर के बारे में, और गाइज मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइज मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजय के सकलानी, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अजय के सकलानी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं अजय के सकलानी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति चरक और विशाल परपग्गा और आसिफ बसरा और तरनजीत कौर और रूपेश्वरी शर्मा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अजय के सकलानी ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है अजय के सकलानी के द्वारा और मनवर राणा के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है गौरव गुलेरिया के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है इनॉक्स एंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनॉक्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 14 अप्रैल 2017 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की मूवी है, और गाइज ये इंडिया के अंदर हिमाचली डोगरी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में।
तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत कुल्लू घाटी में स्थापित सांझ चंडीगढ़ की एक 16 वर्षीय लड़की सांझ है। 16 वर्षीय लड़की सांझ की यात्रा का अनुसरण करता है जो साइबर अपराध का शिकार हो जाती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की बजाय उसके पिता उसे अपनी दादी के साथ रहने के लिए एक दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर भेज देते हैं। अलग थलग और उदास संजू गांव के जीवन का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसका सामना घर के एक भोले भाले मेहमान जोंगा से होता है, जिसके साथ उसकी शुरुआत कठिन होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हालांकि वह अपनी कंपनी में एकांत पाती है और उसके साथ गांव से भागने शहर में अपने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की योजना तैयार करती है। इस बीच संजू धीरे धीरे अपनी दादी के एकांत जीवन जीने के दर्द को समझने लगती है और वे एक ऐसे व्यक्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं जो एक ही समय में एक अच्छा बेटा और पिता बनने में विफल रहा। जब संजू की दादी बीमार पड़ती तो फिल्म उसे अविस्मरणीय सांझ को कैद करती है, जो धुंधल का नुकसान और निराशा के अंधेरे में घुल जाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है धीमे धीमे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है देवा मेरे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है दिल जो कहे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है पूछे अम्मा मेरी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है सांझ, और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है देवा मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, पर मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और गाइज आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सांझ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को लिखा है, और गाइस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजय के सकलानी, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अजय के सकलानी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं अजय के सकलानी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति चरक और विशाल परपग्गा और आसिफ बसरा और तरनजीत कौर और रूपेश्वरी शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अजय के सकलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अजय के सकलानी के द्वारा और मनवर राणा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है गौरव गुलेरिया के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है इनॉक्स एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनॉक्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 14 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और गाइस ये इंडिया के अंदर हिमाचली डोगरी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत कुल्लू घाटी में स्थापित सांझ चंडीगढ़ की एक 16 वर्षीय लड़की सांझ है। 16 वर्षीय लड़की सांझ की यात्रा का अनुसरण करता है जो साइबर अपराध का शिकार हो जाती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की बजाय उसके पिता उसे अपनी दादी के साथ रहने के लिए एक दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर भेज देते हैं। अलग थलग और उदास संजू गांव के जीवन का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसका सामना घर के एक भोले भाले मेहमान जोंगा से होता है, जिसके साथ उसकी शुरुआत कठिन होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हालांकि वह अपनी
कंपनी में एकांत पाती है और उसके साथ गांव से भागने, शहर में अपने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की योजना तैयार करती है। इस बीच संजू धीरे धीरे अपनी दादी के एकांत जीवन जीने के दर्द को समझने लगती है और वे एक ऐसे व्यक्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं जो एक ही समय में एक अच्छा बेटा और पिता बनने में विफल रहा। जब संजू की दादी बीमार पड़ती तो फिल्म उसे अविस्मरणीय सांझ को कैद करती है जो धुंधल का नुकसान और निराशा के अंधेरे में घुल जाता है। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है धीमे धीमे और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है देवा मेरे और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है दिल जो कहे और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है पूछे अम्मा मेरी और गाइज जो इस मूवी के अंदर पाँचवा सॉन्ग है वो है सांझ और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है देवा मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.5 की रेटिंग जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं गाइज की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है पर मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें क्योंकि गाइज वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और गाइज आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सांझ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को लिखा है और गाइस मूवी के डायरेक्टर के बारे में और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अजय के सकलानी और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अजय के सकलानी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अजय के सकलानी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति चरक और विशाल परपग्गा और आसिफ बसरा और तरनजीत कौर और रूपेश्वरी शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अजय के सकलानी ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अजय के सकलानी के द्वारा और मनवर राणा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है गौरव गुलेरिया के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है इनॉक्स एंटरटेनमेंट और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनॉक्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 14 अप्रैल 2017 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर हिमाचली डोगरी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत कुल्लू घाटी में स्थापित सांझ चंडीगढ़ की एक 16 वर्षीय लड़की सांझ की यात्रा का अनुसरण करता है जो साइबर अपराध का शिकार हो जाती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की बजाय उसके पिता उसे अपनी दादी के साथ रहने के लिए एक दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर भेज देते हैं। अलग थलग और उदास संजू गांव के जीवन का सामना करने में असमर्थ है जहां उसका सामना घर के एक भोले भाले मेहमान जोंगा से होता है जिसके साथ उसकी शुरुआत कठिन होती है। जैसे जैसे समय बीतता है हालांकि वह अपनी कंपनी में एकांत पाती है और उसके साथ गांव से भागने, शहर में अपने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की योजना तैयार करती है। इस बीच संजू धीरे धीरे अपनी दादी के एकांत जीवन जीने के दर्द को समझने लगती है और वे एक ऐसे व्यक्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं जो एक ही समय में एक अच्छा बेटा और पिता बनने में विफल रहा। जब संजू की दादी बीमार पड़ती तो फिल्म उसे अविस्मरणीय सांझ को
कैद करती है, जो धुंधल का नुकसान और निराशा के अंधेरे में घुल जाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है धीमे धीमे, और गाइज जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है देवा मेरे, और गाइज जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है दिल जो कहे, और गाइज जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है पूछे अम्मा मेरी, और गाइज जो उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है सांझ, और गाइज जो उस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है देवा मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं गाइज की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, पर मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और गाइज आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सांझ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को लिखा है, और गाइस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अजय के सकलानी, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अजय के सकलानी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अजय के सकलानी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति चरक और विशाल परपग्गा और आसिफ बसरा और तरनजीत कौर और रूपेश्वरी शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अजय के सकलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अजय के सकलानी के द्वारा और मनवर राणा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है गौरव गुलेरिया के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है इनॉक्स एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनॉक्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 14 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और गाइस ये इंडिया के अंदर हिमाचली डोगरी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत कुल्लू घाटी में स्थापित सांझ चंडीगढ़ की एक 16 वर्षीय लड़की सांझ की यात्रा का अनुसरण करता है, जो साइबर अपराध का शिकार हो जाती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की बजाय उसके पिता उसे अपनी दादी के साथ रहने के लिए एक दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर भेज देते हैं। अलग थलग और उदास संजू गांव के जीवन का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसका सामना घर के एक भोले भाले मेहमान जोंगा से होता है, जिसके साथ उसकी शुरुआत कठिन होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हालांकि वह अपनी कंपनी में एकांत पाती है और उसके साथ गांव से भागने शहर में अपने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की योजना तैयार करती है। इस बीच संजू धीरे धीरे अपनी दादी के एकांत जीवन जीने के दर्द को समझने लगती है, और वे एक ऐसे व्यक्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं जो एक ही समय में एक अच्छा बेटा और पिता बनने में विफल रहा। जब संजू की दादी बीमार पड़ती तो फिल्म उसे अविस्मरणीय सांझ को कैद करती है, जो धुंधल का नुकसान और निराशा के अंधेरे में घुल जाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है धीमे धीमे, और गाइज जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है देवा मेरे, और गाइज जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है दिल जो कहे, और गाइज जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है पूछे अम्मा मेरी, और गाइज जो उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है सांझ,
और गाइस जो उस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है देवा मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.5 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, पर मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइस वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और गाइस आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सांझ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को लिखा है, और गाइस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अजय के सकलानी, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अजय के सकलानी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अजय के सकलानी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति चरक और विशाल परपग्गा और आसिफ बसरा और तरनजीत कौर और रूपेश्वरी शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अजय के सकलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अजय के सकलानी के द्वारा और मनवर राणा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है गौरव गुलेरिया के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है इनॉक्स एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनॉक्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 14 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और गाइस ये इंडिया के अंदर हिमाचली डोगरी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत कुल्लू घाटी में स्थापित सांझ चंडीगढ़ की एक 16 वर्षीय लड़की सांझ की यात्रा का अनुसरण करता है, जो साइबर अपराध का शिकार हो जाती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की बजाय उसके पिता उसे अपनी दादी के साथ रहने के लिए एक दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर भेज देते हैं। अलग थलग और उदास संजू गांव के जीवन का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसका सामना घर के एक भोले भाले मेहमान जोंगा से होता है, जिसके साथ उसकी शुरुआत कठिन होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हालांकि वह अपनी कंपनी में एकांत पाती है और उसके साथ गांव से भागने शहर में अपने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की योजना तैयार करती है। इस बीच संजू धीरे धीरे अपनी दादी के एकांत जीवन जीने के दर्द को समझने लगती है, और वे एक ऐसे व्यक्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं जो एक ही समय में एक अच्छा बेटा और पिता बनने में विफल रहा। जब संजू की दादी बीमार पड़ती तो फिल्म उसे अविस्मरणीय सांझ को कैद करती है, जो धुंधल का नुकसान और निराशा के अंधेरे में घुल जाता है। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है धीमे धीमे, और गाइज़ जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है देवा मेरे, और गाइज़ जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है दिल जो कहे, और गाइज़ जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है पूछे अम्मा मेरी, और गाइज़ जो उस मूवी के अंदर पाँचवा सॉन्ग है वो है सांझ, और गाइज़ जो उस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है देवा मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.5 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, पर मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज़ वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका
अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और गाइस आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सांझ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को लिखा है, और गाइस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अजय के सकलानी, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अजय के सकलानी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अजय के सकलानी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति चरक और विशाल परपग्गा और आसिफ बसरा और तरनजीत कौर और रूपेश्वरी शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अजय के सकलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अजय के सकलानी के द्वारा और मनवर राणा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है गौरव गुलेरिया के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है इनॉक्स एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनॉक्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 14 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और गाइस ये इंडिया के अंदर हिमाचली डोगरी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत कुल्लू घाटी में स्थापित सांझ चंडीगढ़ की एक 16 वर्षीय लड़की सांझ है। 16 वर्षीय लड़की सांझ की यात्रा का अनुसरण करता है जो साइबर अपराध का शिकार हो जाती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की बजाय उसके पिता उसे अपनी दादी के साथ रहने के लिए एक दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर भेज देते हैं। अलग थलग और उदास संजू गांव के जीवन का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसका सामना घर के एक भोले भाले मेहमान जोंगा से होता है, जिसके साथ उसकी शुरुआत कठिन होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हालांकि वह अपनी कंपनी में एकांत पाती है और उसके साथ गांव से भागने शहर में अपने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की योजना तैयार करती है। इस बीच संजू धीरे धीरे अपनी दादी के एकांत जीवन जीने के दर्द को समझने लगती है, और वे एक ऐसे व्यक्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं जो एक ही समय में एक अच्छा बेटा और पिता बनने में विफल रहा। जब संजू की दादी बीमार पड़ती तो फिल्म उसे अविस्मरणीय सांझ को कैद करती है, जब धुंधल का नुकसान और निराशा के अंधेरे में घुल जाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है धीमे धीमे, और गाइज उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है देवा मेरे, और गाइज उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है दिल जो कहे, और गाइज उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है पूछे अम्मा मेरी, और गाइज उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है सांझ, और गाइज उस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है देवा मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गाइज की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, पर मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और गाइज आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सांझ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को लिखा है, और गाइस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ।
तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अजय के सकलानी, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अजय के सकलानी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अजय के सकलानी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति चरक और विशाल परपग्गा और आसिफ बसरा और तरनजीत कौर और रूपेश्वरी शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अजय के सकलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अजय के सकलानी के द्वारा और मनवर राणा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है गौरव गुलेरिया के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है इनॉक्स एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इनॉक्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 14 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और गाइस ये इंडिया के अंदर हिमाचली डोगरी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत कुल्लू घाटी में स्थापित सांझ चंडीगढ़ की एक 16 वर्षीय लड़की सांझ की यात्रा का अनुसरण करता है, जो साइबर अपराध का शिकार हो जाती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की बजाय उसके पिता उसे अपनी दादी के साथ रहने के लिए एक दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर भेज देते हैं। अलग थलग और उदास संजू गांव के जीवन का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसका सामना घर के एक भोले भाले मेहमान जोंगा से होता है, जिसके साथ उसकी शुरुआत कठिन होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हालांकि वह अपनी कंपनी में एकांत पाती है और उसके साथ गांव से भागने शहर में अपने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की योजना तैयार करती है। इस बीच संजू धीरे धीरे अपनी दादी के एकांत जीवन जीने के दर्द को समझने लगती है, और वे एक ऐसे व्यक्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं जो एक ही समय में एक अच्छा बेटा और पिता बनने में विफल रहा। जब संजू की दादी बीमार पड़ती तो फिल्म उसे अविस्मरणीय सांझ को कैद करती है, जो धुंधल का नुकसान और निराशा के अंधेरे में घुल जाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है धीमे धीमे, और गाइज जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है देवा मेरे, और गाइज जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है दिल जो कहे, और गाइज जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है पूछे अम्मा मेरी, और गाइज जो उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है सांझ, और गाइज जो उस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है देवा मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, पर मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और गाइज आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सांझ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को लिखा है, और गाइस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अजय के सकलानी, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अजय के सकलानी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अजय के सकलानी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति चरक और विशाल परपग्गा और आसिफ बसरा और तरनजीत कौर और रूपेश्वरी शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अजय के सकलानी ने,
और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है अजय के सकलानी के द्वारा और मनवर राणा के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है गौरव गुलेरिया के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है इनॉक्स इंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनॉक्स इंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 14 अप्रैल 2017 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की मूवी है, और गाइज ये इंडिया के अंदर हिमाचली डोगरी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत कुल्लू घाटी में स्थापित सांझ चंडीगढ़ की एक 16 वर्षीय लड़की सांझ की यात्रा का अनुसरण करता है जो साइबर अपराध का शिकार हो जाती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की बजाय उसके पिता उसे अपनी दादी के साथ रहने के लिए एक दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर भेज देते हैं। अलग थलग और उदास संजू गांव के जीवन का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसका सामना घर के एक भोले भाले मेहमान जोंगा से होता है, जिसके साथ उसकी शुरुआत कठिन होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हालांकि वह अपनी कंपनी में एकांत पाती है और उसके साथ गांव से भागने शहर में अपने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की योजना तैयार करती है। इस बीच संजू धीरे धीरे अपनी दादी के एकांत जीवन जीने के दर्द को समझने लगती है, और वे एक ऐसे व्यक्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं जो एक ही समय में एक अच्छा बेटा और पिता बनने में विफल रहा। जब संजू की दादी बीमार पड़ती तो फिल्म उसे अविस्मरणीय सांझ को कैद करती है, जो धुंधल का नुकसान और निराशा के अंधेरे में घुल जाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है धीमे धीमे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है देवा मेरे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है दिल जो कहे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है पूछे अम्मा मेरी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है सांझ, और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है देवा मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, पर मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और गाइज आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सांझ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को लिखा है, और गाइस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अजय के सकलानी, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अजय के सकलानी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अजय के सकलानी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति चरक और विशाल परपग्गा और आसिफ बसरा और तरनजीत कौर और रूपेश्वरी शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अजय के सकलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अजय के सकलानी के द्वारा और मनवर राणा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है गौरव गुलेरिया के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है इनॉक्स इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनॉक्स इंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 14 अप्रैल 2017 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की मूवी है, और गाइज ये इंडिया के अंदर हिमाचली डोगरी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत कुल्लू घाटी में स्थापित सांझ चंडीगढ़ की एक 16 वर्षीय लड़की सांझ है
16 वर्षीय लड़की सांझ की यात्रा का अनुसरण करता है जो साइबर अपराध का शिकार हो जाती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की बजाय उसके पिता उसे अपनी दादी के साथ रहने के लिए एक दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर भेज देते हैं। अलग थलग और उदास संजू गांव के जीवन का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसका सामना घर के एक भोले भाले मेहमान जोंगा से होता है, जिसके साथ उसकी शुरुआत कठिन होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हालांकि वह अपनी कंपनी में एकांत पाती है और उसके साथ गांव से भागने शहर में अपने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की योजना तैयार करती है। इस बीच संजू धीरे धीरे अपनी दादी के एकांत जीवन जीने के दर्द को समझने लगती है और वे एक ऐसे व्यक्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं जो एक ही समय में एक अच्छा बेटा और पिता बनने में विफल रहा। जब संजू की दादी बीमार पड़ती तो फिल्म उसे अविस्मरणीय सांझ को कैद करती है, जो धुंधल का नुकसान और निराशा के अंधेरे में घुल जाता है। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पर मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है धीमे धीमे, और गाइज़ जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है देवा मेरे, और गाइज़ जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है दिल जो कहे, और गाइज़ जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है पूछे अम्मा मेरी, और गाइज़ जो इस मूवी के अंदर पाँचवा सॉन्ग है वो है सांझ, और गाइज़ जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है देवा मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.5 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, पर मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज़ वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और गाइज़ आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सांझ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को लिखा है, और गाइस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अजय के सकलानी, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अजय के सकलानी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अजय के सकलानी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति चरक और विशाल परपग्गा और आसिफ बसरा और तरनजीत कौर और रूपेश्वरी शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अजय के सकलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अजय के सकलानी के द्वारा और मनवर राणा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है गौरव गुलेरिया के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है इनॉक्स एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनॉक्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 14 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और गाइस ये इंडिया के अंदर हिमाचली डोगरी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत कुल्लू घाटी में स्थापित सांझ चंडीगढ़ की एक 16 वर्षीय लड़की सांझ की यात्रा का अनुसरण करता है जो साइबर अपराध का शिकार हो जाती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की बजाय उसके पिता उसे अपनी दादी के साथ रहने के लिए एक दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर भेज देते हैं। अलग थलग और उदास संजू गांव के जीवन का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसका सामना घर के एक भोले भाले मेहमान जोंगा से होता है, जिसके साथ उसकी शुरुआत कठिन होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हालांकि वह अपनी कंपनी में एकांत पाती है और उसके साथ गांव से भागने शहर में अपने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की योजना तैयार करती है।
इस बीच संजू धीरे धीरे अपनी दादी के एकांत जीवन जीने के दर्द को समझने लगती है और वे एक ऐसे व्यक्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं जो एक ही समय में एक अच्छा बेटा और पिता बनने में विफल रहा। जब संजू की दादी बीमार पड़ती तो फिल्म उसे अविस्मरणीय सांझ को कैद करती है जब धुंधल का नुकसान और निराशा के अंधेरे में घुल जाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पर मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है धीमे धीमे और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है देवा मेरे और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है दिल जो कहे और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है पूछे अम्मा मेरी और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है सांझ और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है देवा मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.5 की रेटिंग जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गाइज की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है पर मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें क्योंकि गाइज वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और गाइज आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सांझ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को लिखा है और गाइस मूवी के डायरेक्टर के बारे में और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजय के सकलानी और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अजय के सकलानी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं अजय के सकलानी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति चरक और विशाल परपग्गा और आसिफ बसरा और तरनजीत कौर और रूपेश्वरी शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अजय के सकलानी ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अजय के सकलानी के द्वारा और मनवर राणा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है गौरव गुलेरिया के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है इनॉक्स एंटरटेनमेंट और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इनॉक्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 14 अप्रैल 2017 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर हिमाचली डोगरी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत कुल्लू घाटी में स्थापित सांझ चंडीगढ़ की एक 16 वर्षीय लड़की सांझ है। 16 वर्षीय लड़की सांझ की यात्रा का अनुसरण करता है जो साइबर अपराध का शिकार हो जाती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की बजाय उसके पिता उसे अपनी दादी के साथ रहने के लिए एक दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर भेज देते हैं। अलग थलग और उदास संजू गांव के जीवन का सामना करने में असमर्थ है जहां उसका सामना घर के एक भोले भाले मेहमान जोंगा से होता है जिसके साथ उसकी शुरुआत कठिन होती है। जैसे जैसे समय बीतता है हालांकि वह अपनी कंपनी में एकांत पाती है और उसके साथ गांव से भागने शहर में अपने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की योजना तैयार करती है। इस बीच संजू धीरे धीरे अपनी दादी के एकांत जीवन जीने के दर्द को समझने लगती है और वे एक ऐसे व्यक्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं जो एक ही समय में एक अच्छा बेटा और पिता बनने में विफल रहा। जब संजू की दादी बीमार पड़ती तो फिल्म उसे अविस्मरणीय सांझ को कैद करती है जब धुंधल का नुकसान और निराशा के अंधेरे में घुल जाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं।
तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है धीमे धीमे, और गाइज जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है देवा मेरे, और गाइज जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है दिल जो कहे, और गाइज जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है पूछे अम्मा मेरी, और गाइज जो उस मूवी के अंदर पाँचवा सॉन्ग है वो है सांझ, और गाइज जो उस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है देवा मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, पर मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और गाइज आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सांझ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को लिखा है, और गाइस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अजय के सकलानी, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अजय के सकलानी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अजय के सकलानी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति चरक और विशाल परपग्गा और आसिफ बसरा और तरनजीत कौर और रूपेश्वरी शर्मा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अजय के सकलानी ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है अजय के सकलानी के द्वारा और मनवर राणा के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है गौरव गुलेरिया के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है इनॉक्स एंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इनॉक्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 14 अप्रैल 2017 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की मूवी है, और गाइज ये इंडिया के अंदर हिमाचली डोगरी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत कुल्लू घाटी में स्थापित सांझ चंडीगढ़ की एक 16 वर्षीय लड़की सांझ है। 16 वर्षीय लड़की सांझ की यात्रा का अनुसरण करता है जो साइबर अपराध का शिकार हो जाती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की बजाय उसके पिता उसे अपनी दादी के साथ रहने के लिए एक दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर भेज देते हैं। अलग थलग और उदास संजू गांव के जीवन का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसका सामना घर के एक भोले भाले मेहमान जोंगा से होता है, जिसके साथ उसकी शुरुआत कठिन होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हालांकि वह अपनी कंपनी में एकांत पाती है और उसके साथ गांव से भागने शहर में अपने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की योजना तैयार करती है। इस बीच संजू धीरे धीरे अपनी दादी के एकांत जीवन जीने के दर्द को समझने लगती है, और वे एक ऐसे व्यक्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं जो एक ही समय में एक अच्छा बेटा और पिता बनने में विफल रहा। जब संजू की दादी बीमार पड़ती तो फिल्म उसे अविस्मरणीय सांझ को कैद करती है, जो धुंधल का नुकसान और निराशा के अंधेरे में घुल जाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है धीमे धीमे, और गाइज जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है देवा मेरे, और गाइज जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है दिल जो कहे, और गाइज जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है पूछे अम्मा मेरी, और गाइज जो उस मूवी के अंदर पाँचवा सॉन्ग है वो है सांझ, और गाइज जो उस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है देवा मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, पर मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी
मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइस वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और गाइस आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सांझ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को लिखा है, और गाइस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजय के सकलानी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अजय के सकलानी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं अजय के सकलानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति चरक और विशाल परपग्गा और आसिफ बसरा और तरनजीत कौर और रूपेश्वरी शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अजय के सकलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अजय के सकलानी के द्वारा और मनवर राणा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है गौरव गुलेरिया के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है इनॉक्स एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनॉक्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 14 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और गाइस ये इंडिया के अंदर हिमाचली डोगरी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत कुल्लू घाटी में स्थापित सांझ चंडीगढ़ की एक 16 वर्षीय लड़की सांझ है। 16 वर्षीय लड़की सांझ की यात्रा का अनुसरण करता है जो साइबर अपराध का शिकार हो जाती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की बजाय उसके पिता उसे अपनी दादी के साथ रहने के लिए एक दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर भेज देते हैं। अलग थलग और उदास संजू गांव के जीवन का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसका सामना घर के एक भोले भाले मेहमान जोंगा से होता है, जिसके साथ उसकी शुरुआत कठिन होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हालांकि वह अपनी कंपनी में एकांत पाती है और उसके साथ गांव से भागने शहर में अपने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की योजना तैयार करती है। इस बीच संजू धीरे धीरे अपनी दादी के एकांत जीवन जीने के दर्द को समझने लगती है, और वे एक ऐसे व्यक्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं जो एक ही समय में एक अच्छा बेटा और पिता बनने में विफल रहा। जब संजू की दादी बीमार पड़ती तो फिल्म उसे अविस्मरणीय सांझ को कैद करती है, जो धुंधल का नुकसान और निराशा के अंधेरे में घुल जाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है धीमे धीमे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है देवा मेरे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है दिल जो कहे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है पूछे अम्मा मेरी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है सांझ, और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है देवा मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं गाइज की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, पर मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और गाइज आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सांझ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को लिखा है, और गाइस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ।
तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अजय के सकलानी, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अजय के सकलानी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अजय के सकलानी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति चरक और विशाल परपग्गा और आसिफ बसरा और तरनजीत कौर और रूपेश्वरी शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अजय के सकलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अजय के सकलानी के द्वारा और मनवर राणा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है गौरव गुलेरिया के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है इनॉक्स इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनॉक्स इंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 14 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और गाइस ये इंडिया के अंदर हिमाचली डोगरी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत कुल्लू घाटी में स्थापित सांझ चंडीगढ़ की एक 16 वर्षीय लड़की सांझ है। 16 वर्षीय लड़की सांझ की यात्रा का अनुसरण करता है जो साइबर अपराध का शिकार हो जाती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की बजाय उसके पिता उसे अपनी दादी के साथ रहने के लिए एक दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर भेज देते हैं। अलग थलग और उदास संजू गांव के जीवन का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसका सामना घर के एक भोले भाले मेहमान जोंगा से होता है, जिसके साथ उसकी शुरुआत कठिन होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हालांकि वह अपनी कंपनी में एकांत पाती है और उसके साथ गांव से भागने शहर में अपने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की योजना तैयार करती है। इस बीच संजू धीरे धीरे अपनी दादी के एकांत जीवन जीने के दर्द को समझने लगती है, और वे एक ऐसे व्यक्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं जो एक ही समय में एक अच्छा बेटा और पिता बनने में विफल रहा। जब संजू की दादी बीमार पड़ती तो फिल्म उसे अविस्मरणीय सांझ को कैद करती है, जो धुंधल का नुकसान और निराशा के अंधेरे में घुल जाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है धीमे धीमे, और गाइज उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग वो है देवा मेरे, और गाइज उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग वो है दिल जो कहे, और गाइज उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है पूछे अम्मा मेरी, और गाइज उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है सांझ, और गाइज उस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है देवा मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं गाइज की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, पर मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और गाइज आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सांझ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को लिखा है, और गाइस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अजय के सकलानी, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अजय के सकलानी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अजय के सकलानी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति चरक और विशाल परपग्गा और आसिफ बसरा और तरनजीत कौर और रूपेश्वरी शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की,
तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अजय के सकलानी ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है अजय के सकलानी के द्वारा और मनवर राणा के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है गौरव गुलेरिया के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है इनॉक्स इंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनॉक्स इंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 14 अप्रैल 2017 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की मूवी है, और गाइज ये इंडिया के अंदर हिमाचली डोगरी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत कुल्लू घाटी में स्थापित सांझ चंडीगढ़ की एक 16 वर्षीय लड़की सांझ है। 16 वर्षीय लड़की सांझ की यात्रा का अनुसरण करता है जो साइबर अपराध का शिकार हो जाती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की बजाय उसके पिता उसे अपनी दादी के साथ रहने के लिए एक दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर भेज देते हैं। अलग थलग और उदास संजू गांव के जीवन का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसका सामना घर के एक भोले भाले मेहमान जोंगा से होता है, जिसके साथ उसकी शुरुआत कठिन होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हालांकि वह अपनी कंपनी में एकांत पाती है और उसके साथ गांव से भागने शहर में अपने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की योजना तैयार करती है। इस बीच संजू धीरे धीरे अपनी दादी के एकांत जीवन जीने के दर्द को समझने लगती है, और वे एक ऐसे व्यक्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं जो एक ही समय में एक अच्छा बेटा और पिता बनने में विफल रहा। जब संजू की दादी बीमार पड़ती तो फिल्म उसे अविस्मरणीय सांझ को कैद करती है, जो धुंधल का नुकसान और निराशा के अंधेरे में घुल जाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है धीमे धीमे, और गाइज उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है देवा मेरे, और गाइज उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है दिल जो कहे, और गाइज उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है पूछे अम्मा मेरी, और गाइज उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है सांझ, और गाइज उस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है देवा मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, पर मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और गाइज आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सांझ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को लिखा है, और गाइस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजय के सकलानी, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अजय के सकलानी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं अजय के सकलानी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति चरक और विशाल परपग्गा और आसिफ बसरा और तरनजीत कौर और रूपेश्वरी शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अजय के सकलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अजय के सकलानी के द्वारा और मनवर राणा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है गौरव गुलेरिया के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है इनॉक्स इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनॉक्स इंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 14 अप्रैल 2017 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की मूवी है, और गाइज ये इंडिया के अंदर हिमाचली डोगरी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में।
तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत कुल्लू घाटी में स्थापित सांझ चंडीगढ़ की एक 16 वर्षीय लड़की सांझ है। 16 वर्षीय लड़की सांझ की यात्रा का अनुसरण करता है जो साइबर अपराध का शिकार हो जाती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की बजाय उसके पिता उसे अपनी दादी के साथ रहने के लिए एक दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर भेज देते हैं। अलग थलग और उदास संजू गांव के जीवन का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसका सामना घर के एक भोले भाले मेहमान जोंगा से होता है, जिसके साथ उसकी शुरुआत कठिन होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हालांकि वह अपनी कंपनी में एकांत पाती है और उसके साथ गांव से भागने शहर में अपने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की योजना तैयार करती है। इस बीच संजू धीरे धीरे अपनी दादी के एकांत जीवन जीने के दर्द को समझने लगती है और वे एक ऐसे व्यक्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं जो एक ही समय में एक अच्छा बेटा और पिता बनने में विफल रहा। जब संजू की दादी बीमार पड़ती तो फिल्म उसे अविस्मरणीय सांझ को कैद करती है, जो धुंधल का नुकसान और निराशा के अंधेरे में घुल जाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है धीमे धीमे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है देवा मेरे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है दिल जो कहे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है पूछे अम्मा मेरी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पाँचवा सॉन्ग है वो है सांझ, और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है देवा मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, पर मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और गाइज आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सांझ मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को लिखा है, और गाइज मूवी के डायरेक्टर के बारे में, और गाइज मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइज मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजय के सकलानी, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अजय के सकलानी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं अजय के सकलानी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति चरक और विशाल परपग्गा और आसिफ बसरा और तरनजीत कौर और रूपेश्वरी शर्मा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अजय के सकलानी ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है अजय के सकलानी के द्वारा और मनवर राणा के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है गौरव गुलेरिया के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है इनॉक्स एंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनॉक्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 14 अप्रैल 2017 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की मूवी है, और गाइज ये इंडिया के अंदर हिमाचली डोगरी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत कुल्लू घाटी में स्थापित सांझ चंडीगढ़ की एक 16 वर्षीय लड़की सांझ है। 16 वर्षीय लड़की सांझ की यात्रा का अनुसरण करता है जो साइबर अपराध का शिकार हो जाती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की बजाय उसके पिता उसे अपनी दादी के साथ रहने के लिए एक दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर भेज देते हैं। अलग थलग और उदास संजू गांव के जीवन का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसका सामना घर के एक भोले भाले मेहमान जोंगा से होता है, जिसके साथ उसकी शुरुआत कठिन होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हालांकि वह अपनी
कंपनी में एकांत पाती है और उसके साथ गांव से भागने शहर में अपने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की योजना तैयार करती है। इस बीच संजू धीरे धीरे अपनी दादी के एकांत जीवन जीने के दर्द को समझने लगती है और वे एक ऐसे व्यक्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं जो एक ही समय में एक अच्छा बेटा और पिता बनने में विफल रहा। जब संजू की दादी बीमार पड़ती तो फिल्म उसे अविस्मरणीय सांझ को कैद करती है जो धुंधल का नुकसान और निराशा के अंधेरे में घुल जाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है धीमे धीमे और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है देवा मेरे और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है दिल जो कहे और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है पूछे अम्मा मेरी और गाइज जो इस मूवी के अंदर पाँचवा सॉन्ग है वो है सांझ और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है देवा मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.5 की रेटिंग जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है पर मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें क्योंकि गाइज वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और गाइज आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सांझ मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को लिखा है और गाइज मूवी के डायरेक्टर के बारे में और गाइज मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और गाइज मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइज मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में और गाइज मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अजय के सकलानी और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अजय के सकलानी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अजय के सकलानी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति चरक और विशाल परपग्गा और आसिफ बसरा और तरनजीत कौर और रूपेश्वरी शर्मा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अजय के सकलानी ने और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है अजय के सकलानी के द्वारा और मनवर राणा के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है गौरव गुलेरिया के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है इनॉक्स एंटरटेनमेंट और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनॉक्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 14 अप्रैल 2017 को और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का और गाइज ये इंडिया की मूवी है और गाइज ये इंडिया के अंदर हिमाचली डोगरी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत कुल्लू घाटी में स्थापित सांझ चंडीगढ़ की एक 16 वर्षीय लड़की सांझ है 16 वर्षीय लड़की सांझ की यात्रा का अनुसरण करता है जो साइबर अपराध का शिकार हो जाती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की बजाय उसके पिता उसे अपनी दादी के साथ रहने के लिए एक दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर भेज देते हैं। अलग थलग और उदास संजू गांव के जीवन का सामना करने में असमर्थ है जहां उसका सामना घर के एक भोले भाले मेहमान जोंगा से होता है जिसके साथ उसकी शुरुआत कठिन होती है। जैसे जैसे समय बीतता है हालांकि वह अपनी कंपनी में एकांत पाती है और उसके साथ गांव से भागने शहर में अपने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की योजना तैयार करती है। इस बीच संजू धीरे धीरे अपनी दादी के एकांत जीवन जीने के दर्द को समझने लगती है और वे एक ऐसे व्यक्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं जो एक ही समय में एक अच्छा बेटा और पिता बनने में विफल रहा। जब संजू की दादी बीमार पड़ती तो फिल्म उसे अविस्मरणीय सांझ को
कैद करती है, जब धुंधल का नुकसान और निराशा के अंधेरे में घुल जाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है धीमे धीमे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है देवा मेरे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है दिल जो कहे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है पूछे अम्मा मेरी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है सांझ, और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है देवा मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं गाइज की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, पर मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और गाइज आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सांझ मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को लिखा है, और गाइज मूवी के डायरेक्टर के बारे में, और गाइज मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइज मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अजय के सकलानी, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अजय के सकलानी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अजय के सकलानी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति चरक और विशाल परपग्गा और आसिफ बसरा और तरनजीत कौर और रूपेश्वरी शर्मा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अजय के सकलानी ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है अजय के सकलानी के द्वारा और मनवर राणा के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है गौरव गुलेरिया के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है इनॉक्स एंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनॉक्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 14 अप्रैल 2017 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की मूवी है, और गाइज ये इंडिया के अंदर हिमाचली डोगरी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत कुल्लू घाटी में स्थापित सांझ चंडीगढ़ की एक 16 वर्षीय लड़की सांझ है। 16 वर्षीय लड़की सांझ की यात्रा का अनुसरण करता है जो साइबर अपराध का शिकार हो जाती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की बजाय उसके पिता उसे अपनी दादी के साथ रहने के लिए एक दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर भेज देते हैं। अलग थलग और उदास संजू गांव के जीवन का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसका सामना घर के एक भोले भाले मेहमान जोंगा से होता है, जिसके साथ उसकी शुरुआत कठिन होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हालांकि वह अपनी कंपनी में एकांत पाती है और उसके साथ गांव से भागने शहर में अपने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की योजना तैयार करती है। इस बीच संजू धीरे धीरे अपनी दादी के एकांत जीवन जीने के दर्द को समझने लगती है, और वे एक ऐसे व्यक्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं जो एक ही समय में एक अच्छा बेटा और पिता बनने में विफल रहा। जब संजू की दादी बीमार पड़ती तो फिल्म उसे अविस्मरणीय सांझ को कैद करती है, जो धुंधल का नुकसान और निराशा के अंधेरे में घुल जाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है धीमे धीमे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है देवा मेरे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है दिल जो कहे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है पूछे अम्मा मेरी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है सांझ, और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है देवा मेरे का रिप्राइज वर्जन।
तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.5 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, पर मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइस वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और गाइस आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सांझ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को लिखा है, और गाइस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अजय के सकलानी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अजय के सकलानी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अजय के सकलानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति चरक और विशाल परपग्गा और आसिफ बसरा और तरनजीत कौर और रूपेश्वरी शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अजय के सकलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अजय के सकलानी के द्वारा और मनवर राणा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है गौरव गुलेरिया के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है इनॉक्स एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनॉक्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 14 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और गाइस ये इंडिया के अंदर हिमाचली डोगरी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत कुल्लू घाटी में स्थापित सांझ चंडीगढ़ की एक 16 वर्षीय लड़की सांझ की यात्रा का अनुसरण करता है, जो साइबर अपराध का शिकार हो जाती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की बजाय उसके पिता उसे अपनी दादी के साथ रहने के लिए एक दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर भेज देते हैं। अलग थलग और उदास संजू गांव के जीवन का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसका सामना घर के एक भोले भाले मेहमान जोंगा से होता है, जिसके साथ उसकी शुरुआत कठिन होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हालांकि वह अपनी कंपनी में एकांत पाती है और उसके साथ गांव से भागने शहर में अपने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की योजना तैयार करती है। इस बीच संजू धीरे धीरे अपनी दादी के एकांत जीवन जीने के दर्द को समझने लगती है, और वे एक ऐसे व्यक्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं जो एक ही समय में एक अच्छा बेटा और पिता बनने में विफल रहा। जब संजू की दादी बीमार पड़ती तो फिल्म उसे अविस्मरणीय सांझ को कैद करती है, जब धुंधल का नुकसान और निराशा के अंधेरे में घुल जाता है। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है धीमे धीमे, और गाइज़ जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है देवा मेरे, और गाइज़ जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है दिल जो कहे, और गाइज़ जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है पूछे अम्मा मेरी, और गाइज़ जो उस मूवी के अंदर पाँचवा सॉन्ग है वो है सांझ, और गाइज़ जो उस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है देवा मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.5 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, पर मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज़ वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और गाइज आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सांझ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को लिखा है, और गाइस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजय के सकलानी, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अजय के सकलानी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं अजय के सकलानी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति चरक और विशाल परपग्गा और आसिफ बसरा और तरनजीत कौर और रूपेश्वरी शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अजय के सकलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अजय के सकलानी के द्वारा और मनवर राणा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है गौरव गुलेरिया के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है इनॉक्स एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनॉक्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 14 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और गाइस ये इंडिया के अंदर हिमाचली डोगरी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत कुल्लू घाटी में स्थापित सांझ चंडीगढ़ की एक 16 वर्षीय लड़की सांझ है। 16 वर्षीय लड़की सांझ की यात्रा का अनुसरण करता है जो साइबर अपराध का शिकार हो जाती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की बजाय उसके पिता उसे अपनी दादी के साथ रहने के लिए एक दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर भेज देते हैं। अलग थलग और उदास संजू गांव के जीवन का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसका सामना घर के एक भोले भाले मेहमान जोंगा से होता है, जिसके साथ उसकी शुरुआत कठिन होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हालांकि वह अपनी कंपनी में एकांत पाती है और उसके साथ गांव से भागने शहर में अपने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की योजना तैयार करती है। इस बीच संजू धीरे धीरे अपनी दादी के एकांत जीवन जीने के दर्द को समझने लगती है, और वे एक ऐसे व्यक्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं जो एक ही समय में एक अच्छा बेटा और पिता बनने में विफल रहा। जब संजू की दादी बीमार पड़ती तो फिल्म उसे अविस्मरणीय सांझ को कैद करती है, जो धुंधल का नुकसान और निराशा के अंधेरे में घुल जाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है धीमे धीमे, और गाइज उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है देवा मेरे, और गाइज उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है दिल जो कहे, और गाइज उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है पूछे अम्मा मेरी, और गाइज उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है सांझ, और गाइज उस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है देवा मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, पर मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और गाइज आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सांझ मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को लिखा है, और गाइस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ।
तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अजय के सकलानी, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अजय के सकलानी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अजय के सकलानी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी अदिति चरक और विशाल परपग्गा और आसिफ बसरा और तरनजीत कौर और रूपेश्वरी शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अजय के सकलानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अजय के सकलानी के द्वारा और मनवर राणा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है गौरव गुलेरिया के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है इनॉक्स एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इनॉक्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 14 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और गाइस ये इंडिया के अंदर हिमाचली डोगरी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत कुल्लू घाटी में स्थापित सांझ चंडीगढ़ की एक 16 वर्षीय लड़की सांझ की यात्रा का अनुसरण करता है, जो साइबर अपराध का शिकार हो जाती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की बजाय उसके पिता उसे अपनी दादी के साथ रहने के लिए एक दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर भेज देते हैं। अलग थलग और उदास संजू गांव के जीवन का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसका सामना घर के एक भोले भाले मेहमान जोंगा से होता है, जिसके साथ उसकी शुरुआत कठिन होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हालांकि वह अपनी कंपनी में एकांत पाती है और उसके साथ गांव से भागने शहर में अपने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की योजना तैयार करती है। इस बीच संजू धीरे धीरे अपनी दादी के एकांत जीवन जीने के दर्द को समझने लगती है, और वे एक ऐसे व्यक्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं जो एक ही समय में एक अच्छा बेटा और पिता बनने में विफल रहा। जब संजू की दादी बीमार पड़ती तो फिल्म उसे अविस्मरणीय सांझ को कैद करती है, जो धुंधल का नुकसान और निराशा के अंधेरे में घुल जाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है धीमे धीमे, और गाइज जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है देवा मेरे, और गाइज जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है दिल जो कहे, और गाइज जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है पूछे अम्मा मेरी, और गाइज जो उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है सांझ, और गाइज जो उस मूवी के अंदर छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है देवा मेरे का रिप्राइज वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, पर मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और गाइज आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।